15th number, apportion. Apportion मतलब divide and share out, मतलब किसी चीज को किसी लोगों में बांट देना, that is the apportion, apportion. और फिर generic, generic है मतलब कोई specific नहीं, general, common. तो generic means having the characteristics of a whole group or general, मतलब है कि साधारण, generic से हम साधारण, जिसलिए हम generic medicine भी बोलते हैं. Qualm, qualm का है कि a qualm is a feeling of uneasiness about a moral issue. A feeling of uneasiness about a moral issue or a scruple. मतलब ये बोलते हैं विवेक दंशन जिसको बोलते हैं. Qualm, scruple. इसका मतलब होता है विवेक दंशन. मतलब होता है कि जो आपके विवेक को चूहो है, दर्द देता है. आपने किस कामों किया जिसके लिए आपके विवेक आपको स्वीकारता नहीं है. Now the very, W-A-R-Y, very. Very means to attentive, especially to danger or to be cautious. Very का मतलब होता है सतर्क. Very का मतलब होता है सतर्क. Very का मतलब होता है सतर्क. अब आते हैं distort. Distort. Distort means to twist out of a normal state or deform. Distort मतलब है जो नॉर्मल सिचुएशन से या किसी चीज को डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब उसका शेप कुछ था, आपने मरोड़ के कुछ और बना दिया. तो डिफॉर्म मतलब जिसकी फॉर्म जो है जैसे था उसको मोड़ दिया. मतलब समझ लीजिए आप चाकू को लेके मोड़ दिया, आपने कागज को लेके मोड़ दिया, तो कागज सीधा था, आपके हाथ हथेली मोड़ दिया, तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो डिफॉर्म हुआ. तो डिस्टॉर्ट और डिफॉर्म जो है एक ही मीनिंग से चलते हैं. अब आते हैं सम्पचुअस. A sumptuous means excessively costly or luxurious. तो sumptuous मतलब बहुत ज़्यादा कीमती. Sumptuous मतलब होता है luxurious, जिसको हम बोलते हैं कीमती या विलासिता का सामान. कीमती या विलासिता का सामान. तो sumptuous और luxurious ये दोनों काफ़ी करीब के शब्द हैं. Rill, rill, R-E-L-L, rill. Rill का मतलब होता है घूमना. Whirl. रिल का मतलब होता है विरल, घूमना, मतलब घुमक्कर जिसको बोलते हैं. तो आर डबल एल रिल का दूसरा मान होता है विरल, घुमक्कर. अब आते हैं इनस्क्रूटेबल. इनस्क्रूटेबल मीन्स नॉट इजीली इंटरप्रिटेड और अंडरस्टूड, मिस्टीरियस. तो इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है मिस्टीरियस. तो मिस्टीरियस क्या है, जो चीज झट से समझ में नहीं आए, ठीक है ना, जो चीज झट से समझ में नहीं है, मिस्ट्रियस. तो इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल मीन्स नॉट इजीली इंटरप्रेटेड, मतलब जो आप झट से समझ नहीं पाओ, और मिस्ट्रियस. अपल, टू अपल इज टू ओवरकम विथ शॉक और डिसमे. देखिए अपाल का जो है दो तरह का अर्थ हो सकता है. एक है कि धमकी देना, धमकी देना. और यहाँ देखिए एक शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप भी जानते हैं. यहाँ डिसमे दिया हुआ है. डिसमे का मतलब होता है बेचैनी. तो ओवरकम विथ शॉक और टू डिसमे. यहाँ तो अपाल का जो मीनिंग है वो दिया हुआ है, डिसमे दिया हुआ है, मतलब आप बोल सकते हो उसे बेचैनी. अब आते हैं अपराइट. Upright can mean honorable or vertical, horizontal or supine are both antonyms of upright. तो ये synonyms नहीं है. देखिए supine जो है और vertical, horizontal जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों शब्द जो है इसके विपरीतार्थक हैं. और तो upright का एक दूसरा meaning हम कर सकते हैं honorable. तो देखिए ये जो है ना करीब से गुजरता हुआ अर्थ है. अगर वास्तविक अपराइट का अगर हम अर्थ देखें तो वो सीधा बोलते हैं. तो लेकिन यहाँ सीधा मीनिंग तो देखिए इसमें दिया ही नहीं है, अपराइट का स्ट्रेट नहीं दिया हुआ है. तो मेरे को करीब का मीनिंग ढूंढना है तो हमें यहाँ पे ऑनरेबल हम इसको लेते हैं. तो अपराइट का हम यहाँ पे ऑनरेबल लेते हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए रेवरी, R-E-V-E-R-I. रेवरी का जो एक्चुअली जो मीनिंग है वो भावना है, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए डे ड्रीम दिया हुआ है.
अब यहाँ पे मेरे को दीवा स्वप्न जिसको बोलते हैं ना, मतलब है कि किसी इसमें जो है क्या कहते हैं सोच में जो डूब जाता है, ए स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट, तो रेवरी का जो भावना भी होता है। और एक दूसरा अर्थ भी इसका है कि आप किसी सोच में मगन हो। तो यहाँ पे दो शब्द है, तो यहाँ पे चूंकि डे ड्रीम है तो हमें क्या है कि चूंकि क्यों मैं इसको वॉइस में कर रहा हूँ, क्योंकि इसको दोनों अर्थ को आपको याद रखना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके लिए रेवरी जो है केवल आपके डे ड्रीम में भी आ सकता है। अगर ये इनर फीलिंग्स अगर शब्द आता है तो डे ड्रीम भी आता है, फिर आपको इनर फीलिंग्स में ही मारना पड़ेगा। नाउ लूट, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ए लूट। अब एक शब्द देखिए लूट, एल डबल ओ टी लूट। देखिए लूट शब्द को तो हिंदी में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे युद्ध में लूट लेना या किसी तरह की एजिटेशन में कुछ लूटा जा रहा है, तो यहाँ लूट का मतलब तो वही होता है। और ये इसका और भी है, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है तो वहाँ पे लूट मीन्स गोस्ट सीज्ड इन वार और स्पॉइल्स। स्पॉइल्स जो है, स्पॉइल्स का भी मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, तो मतलब है कि लूट लिया हुआ चीज है, दैट वी यूज टू कॉल इट स्पॉइल्स। अब आते हैं दूसरे शब्द में लोकेशियस। देखिए ये तो काफी ज्यादा आता है, लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी या टॉकेटिव। लोकेशियस का तो मतलब होता है बातूनी या आप टॉकेटिव भी बोल सकते हैं, तो ये एकदम करीब से जाता हुआ मामला है। अब एक नया शब्द है काइमेरा। काइमेरा का देखिए, काइमेरा का अर्थ होता है हम बोल सकते हैं कल्पना। काइमेरा का अगर डिक्शनरी का अर्थ हम देखें तो काइमेरा का अर्थ होता है कल्पना, और यहाँ पे जो दिया हुआ है हम बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन भी एक तरह की कल्पना ही है, तो इल्यूशन। और देखिए चिमनी तो होता नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं, तो इल्यूशन। और पैनाकी, तो पैनाकी भी होता नहीं है, तो काइमेरा जो है, काइमेरा का अर्थ है इल्यूशन। एकदम ये वर्ड के साथ जाता है, प्रॉपर मीनिंग के साथ जाता है ये।